नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भोपाल की, जहां संपदा प्रबंधक और लिपिक को रिश्वत मांग रही लोकायुक्त ने दबोचा। आगे बात होगी चतरा की, जहां हिंदिया कला हत्याकांड के परिजनों से मिलने पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी के एन त्रिपाठी। साथ ही आगे चर्चा होगी राजस्थान की, जहां रात के अंधेरे में घटिया निर्माण की खुली पोल, रुकवाया गया काम। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां संपदा प्रबंधक और लिपिक की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्लॉट की रजिस्ट्री करने के एवज में 4000 रुपए की घूस मांगी गई थी, जहां 24 मई को आवेदक राहुल जैन ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त को लिखित शिकायत दी थी, जहां उन्होंने बताया कि अयोध्या नगर फेज 5 में प्लांट आवंटित हुआ है। उस प्लांट पर की रजिस्ट्री करने के एवज में संपदा प्रबंधक निर्मला निकोसे और लिपिक रजत पवार ने 4000 रुपए की मांग की जा रही है। लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत सत्यापन कराए जाने पर अत्यारोपियों के आवेदक निवेदन पर मांगी गई राशि कम करके 3000 पुनः मांग की है, जिस पर रिश्वत लेते हुए स्पष्ट होने से धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारा 120 बी भारतीय दंड विधान के अंतर्गत प्रकरण रजिस्टर किया गया। भोपाल से सीनियर संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। चतरा जिले के अति नक्सल प्रभावित कुंदा थाना क्षेत्र के हिंदिया कला गांव निवासी पंकज बिरोहर और पिता महेंद्र बिरोहर उर्फ दीपन बिरोहर हत्याकांड के बाद मंगलवार को कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी के एन त्रिपाठी हिंदिया कला गांव पहुंचे। यहां घटना की विस्तृत जानकारी मृतक के परिजनों से ली। उन्होंने कहा कि बिरोहर जाति को धीरे धीरे विलुप्त करते जा रहे हैं। इस जाति का एक तेज तर्रार युवक का हत्या हो जाना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सरकार से हम इस गाँव के लिए एक पुलिस पिकेट का मांग करना चाहेंगे। जब पुलिस पिकेट बन जाएंगे तब यहाँ के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। आश्चर्यजनक घटना है। बिरहोर जाति जो अपने ही यहाँ से धीरे 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 समाप्त हो रही है, अब उस जाति का एक तेज तर्रार नौजुवक की हत्या हो जाना निंदनीय है। हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत इस इलाके में एक पुलिस पिकेट की स्थापना की जाए। पुलिस पिकेट बन जाने से यहाँ जो अगल बगल 20 किलोमीटर का दायरा है, वो 20 किलोमीटर के लोग सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। और यह घटना यहाँ के लोगों को हिला देने वाली घटना है, ख़ास तौर पर इस सुदूर जंगल में। इधर तो लोग आते नहीं हैं, प्रशासन के लोग भी कम आ पाते हैं। तो इन परिस्थितियों में हमें लगता है कि यहाँ एक पुलिस पिकेट होना नितांत आवश्यक है। मैं आज ही सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और DGP को उसकी कॉपी लिखता हूँ कि तुरंत इस इलाके में एक पुलिस पिकेट की स्थापना की जाए, ताकि यहाँ के लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकें और अनटुवर्ड्स इस तरह की दुर्घटना फिर बाद में भविष्य में न हो। इसीलिए हम लोग आए थे देखने की क्या परिस्थिति है। हमने इसको देखा है। मैं आज ही सरकार से और पुलिस के बड़े पदाधिकारियों से बात करता हूँ कि इसकी त्वरित कार्रवाई की। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। धौलपुर शहर में सीवर लाइन बनी, आमजन के लिए परेशानी। ठेकेदार द्वारा सीवर लाइनों की नहीं कराई जाती है सफाई। सड़क मार्गों पर सीवर का गंदा पानी आने से लोग परेशान हैं। ठेकेदार द्वारा राज्य सरकार की लाखों रुपए की लगाई जा रही है चपत। लोग अपने पैसों से कराते हैं सफाई, ठेकेदार नहीं सुनता है। लोगों ने कई बार पार्षद ठेकेदार को बदलने कर चुके हैं मांग, लेकिन पार्षद सत्य प्रकाश ने वार्डवासियों के साथ मिलकर ज्ञापन के माध्यम से नगर परिषद आयुक्त को कराया समस्या से अवगत। धौलपुर से सीनियर संवाददाता अनूप की रिपोर्ट। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवागमन की सुलभ यातायात व्यवस्था के लिए स्टेट हाईवे जैसी सड़क बनवा रही है, लेकिन ये सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। वाकया अकरेला उपखंड क्षेत्र के भालता कस्बे के पास देखने को मिला। यहां करोड़ों रुपए की लागत से RSD द्वारा स्टेट हाईवे 119 का निर्माण कार्य चल रहा है। यहां भारी अनियमितता सामने आई है, जिसको लेकर भाजपा नेता और पूर्व मंडल अध्यक्ष जसवंत सिंह गुज्जर सहित स्थानीय लोगों ने सोमवार रात को 10 बजे चल रहे भालता के पास ही घटिया निर्माण देख ठेकेदार से काम रुकवा दिया है और ठेकेदार और RRCDC के अभियंता पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक भालता से आसलपुर के बीच बन रहे CC रोड में कई जगहों पर PCC ठीक से नहीं हुई है। साथ ही रोड के दोनों ओर की साइड दोबारा नहीं बनाई गई है। पुरानी रोड साइड डैमेज हो चुकी है, जिनका नई बनाई जाना आवश्यक है, लेकिन ठेकेदार पुरानी साइड के ऊपर ही 8 मीटर चौड़ा रोड बना रहे हैं। यदि डैमेज साइड नहीं
बनाई गई तो रोड क्षतिग्रस्त हो सकता है, बड़े वाहन निकलने पर दुर्घटना की संभावना है। राजस्थान से सीनियर संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। वैसे तो भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर द्वारा मरीज के साथ गलत व्यवहार सीहोर के भिरुंडा में किया गया है। यहाँ एक युवक द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उसकी पत्नी को डॉक्टर द्वारा अपशब्द कहते हुए जलील करा गया है। मामले को लेकर पीड़ित ने क्या कुछ कहा है, साथ ही अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम विश्वकर्मा है और मैं जो है बिजला का निवासी हूँ। मैं कल 25/5/2024 को मेरी मिसेस की 8वें महीने की सोनोग्राफी होनी थी, जिसके लिए मैंने 1 महीने पूर्व जो है सोनोग्राफी की दिनांक लेकर रखी थी और पर्चे पे लिखवा कर रखी थी। जब मैं कल 25 तारीख को जब सोनोग्राफी करवाने के लिए उसको लेके गया तो वहाँ पर मैंने शासकीय सिविल अस्पताल में जो टोकन नंबर और पर्चा कटवाने की जो प्रक्रिया होती है वो पहले से ही लेकर रखी थी। तो सोनोग्राफी जो वहाँ पर रुक्मणी गुलारिया करके एक मैडम बैठती है वो करती है, तो जो उनके द्वारा जो प्राइवेट पर्चे पर जो पेशेंटों को जो देखती है उनको बिना किसी सीरियल नंबर या टोकन नंबर के पहले तो उन लोगों की सोनोग्राफी की जा रही थी क्योंकि उनके पास प्राइवेट पर्चे थे। बाद में जब आखिरी में हमारा नंबर आया क्योंकि हमारे पास सिविल अस्पताल का पर्चा था, तो नंबर आने के बाद सोनोग्राफी करवाते समय क्या है, पानी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए लेडीजों में, तभी सोनोग्राफी होती। तो मेरी मिसेस की जो पानी की बोतल थी वो सोनोग्राफी करवाने के समय अंदर छूट गई थी और वो बोतल जो है किसी अन्य महिला के द्वारा वहाँ पर पानी जो है डुल गया। तो बाद में मैं, मेरी छोटी बहन और मेरी मिसेस, हम तीनों बाहर थे, तो मेरी मिसेस का एक सिस्टर के द्वारा नाम लेके बुलाया गया कि स्वाति को ने अंदर आओ, तो उसको अंदर बुलाया और कहा कि ये पानी की तेरी बोतल से ढुला है, यहाँ पर पोछा लाकर लगा तभी तेरी सोनोग्राफी दूंगा। तो इस चीज़ की जानकारी मुझे लगी तो मैं अंदर गया तो मैंने ये चीज़ का विरोध करा। मैंने कहा बेटा मेरी मिसेस इस चीज़ का थोड़ा ना कोई वो है, मैंने कहा उसकी बोतल से पानी ढुला, लेकिन वो पानी उसने नहीं ढुलाया, किसी अन्य महिला ने ढुलाया है। जिस पीड़ित व्यक्ति के साथ जो पीड़ित व्यक्ति है उनके द्वारा जो शिकायत करी गई थी, मेरे जो ऊपर से अधिकारी द्वारा मुझे बताया गया था कि उनके साथ ये दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना में मेरे द्वारा डॉक्टर रुक्मणी से जो है वो शो कॉल नोटिस देकर उनसे स्पष्टीकरण लिया है। इसी प्रकरण को लेते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल से एक टीम नॉमिनेट करी थी, वो भी आज यहाँ पे आई थी और उन्होंने पक्षकार जो कि जो शिकायतकर्ता हैं उनके द्वारा डॉक्टर रुक्मणी के बयान लेकर वो लोग लेकर चले गए और उसको हमारे अधिकारी उच्च अधिकारियों को सबमिट करें। सीहोर से सीनियर संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।